कुलभूषण को तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश अभी तक बरकरार है। भारत आगे बढ़े और पाकिस्तान की अदालतों से तावुन करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। FATF मामला तकनीकी बुनियादों पर हल होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मामले पर बात करते हुए कहना था, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। FATF से मुताल्लिक कानून साजी की है। FATF का मामला सियासी बुनियादों की बजाय टेक्निकल तौर पर हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूसों और रजादारों पर भारतीय फोर्सेज ने ताकत का इस्तेमाल किया। इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदी जुबान राइज करने के लिए दबाव डाल रहा है। आलमी बिरादरी इन गैर कानूनी इकदामात का नोटिस ले। भारतीय जासूस के मामले पर बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। भारत आगे बढ़े और पाकिस्तान की अदालतों से तावुन करे। दूसरी काउंसलर रसाई के दौरान भारतीय सिफारतकार मुलाकात छोड़कर चले गए थे। तहम पाकिस्तान की जानिब से तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश अभी तक बरकरार है।